मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट हमारे पास 7 एसआई यूनिट थे, उसके नेम लिखे थे हमने, उस एसआई यूनिट का सिंबल लिखा था और एसआई यूनिट की जो सब सिंबल के बारे में डिस्कस की थी, उसके जो सिंबल थे वो कैसे आए, कहाँ से आए, उसकी डेफिनेशन जो हमने लिखी थी। अब हमें उसके बाद पढ़ना है मास एंड वेट के बारे में। मास एंड वेट क्या है, वो दोनों एक है या डिफरेंट है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। मास, मास यानी कि क्या, अगर हम कोई भी चीज की बात करें तो उसके अंदर में जो भी मास क्रिएट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर मैं इस मार्कर की बात करूं कि इसका मास क्या है, तो ये इसकी अपर साइड जो पावर है, उसके अंदर जो भी है, उसके इनसाइड में, यानी कि उसके अंदर की साइड में जो भी कुछ है ना, उसे मास कहते हैं। यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। हमारे जो मैटर है, जो भी मैटर है, मार्कर बोर्ड, हम कोई भी, उस मैटर के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो भी प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसे मास बोलते हैं। तो वेट क्या है, वेट यानी कि वेट यानी ग्रेविटी फोर्स, वेट पे यानी कि ग्रेविटी फोर्स जो लगता है, यानी कि इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर के अंदर की साइड जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे मास बोलते हैं। लेकिन इसको में हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे जो ग्रेविटी फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है तो उस हिसाब से उसे क्या बोलते हैं, वेट, यानी कि हमारा मास है, मास, उस पे ग्रेविटी फोर्स लगता नहीं है, लेकिन वेट को मेजर करने के लिए उस पे ग्रेविटी फोर्स लगता है। वेट क्या है, तो कि जो उस पे ग्रेविटी फोर्स लगता है वो वेट है। मास यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिस मैटर के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मास। तो जब अगर हम डिस्कस करते हैं कि मास है, वो अलग अलग यानी कि डिफरेंट प्लेस पे, अगर मैं अपनी एक जगह वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मैं ले जाऊं, इस मार्कर को यहां से मैं दूसरे प्लेस पे ले जाऊं, इसका मास चेंज होगा, तो क्या नहीं, क्यों नहीं होगा। तो चलो हम वेट, इसको मैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाऊं, उसका वेट चेंज होगा, तो कि यस। तो यह कैसे, वो उसका मास चेंज नहीं होता लेकिन वेट चेंज होता है, क्यों, तो कि चलो हम देखते हैं कि मास क्या है, इसके अमाउंट, इसके जो मैटर है उसके अंदर की साइड जो प्रेजेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मास यहाँ पे जो है वही, अगर मैं मून पे चला जाऊं या दूसरे कोई भी ग्रह पे चला जाऊं तो मेरा मास चेंज होगा नहीं, वही का वही है, लेकिन मेरा वेट, वेट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि वेट डिपेंड किस पे है, ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड है। और दूसरे प्लेस पे, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे हम जाते हैं तो सब जगह हमारा जो ग्रेविटी फोर्स लगता है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे कि कैसे, तो हमारे पास अर्थ की अंदर की साइड हम चले जाए गहराई में तो वहां पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा, अगर हम ऊंची हाइट पे पहाड़ पे चले जाए तो वहां पे ग्रेविटी फोर्स कम होता है। यानी कि दोनों जगह पे में हम जाए तो हमारा वेट दोनों की जगह पे सेम होगा नहीं, लेकिन अगर हम गहराई पे चले जाए तो हमारा मास कम हो जाता है, नहीं, मास तो वही रहता है ना, पर मास वही रहता है। अगर हम पहाड़ पे चले जाए तो हमारा मास चेंज हो जाता है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मास इज कॉन्स्टेंट। मास क्या है, मास कॉन्स्टेंट है लेकिन वेट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड होता है, वो ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड होता है। ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड ऑन ग्रेविटी फोर्स, ओके। तो कैसे, चलो हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मेरा वेट ये अर्थ है, अर्थ पे मेरा वेट 60 केजी है, कितना केजी, 60 केजी। अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मेरा वेट वहां पे होगा 10 केजी, ओके। क्यों, क्योंकि जो मून पे जो ग्रेविटी फोर्स लगता है ना, वो इसकी कंपेयर में
बहुत ज्यादा कम है, यानी कि अगर 6 गुना, यानी कि यहाँ से इसके कंपेयर में कितने गुना है, 6 गुना कम है, लेकिन मून के कंपेयर में हमारे अर्थ का ग्रेविटी फोर्स है वो 6 गुना ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर मेरा वेट यहाँ मून पे 10 केजी से ना, तो 6 गुना ज्यादा होगा किस पे, अर्थ पे, और अर्थ पे जितना वेट है उससे 6 गुना कम होगा मेरा वेट मून पे। कोई भी चीज को ले जाइए हम, यहाँ पे इसका वेट जितना है उससे 6 गुना कम वेट होगा मून पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है, मून पे ग्रेविटी फोर्स कम है। लेकिन मैं यहाँ पे अपना मास को मेजर करके जाऊं तो मेरा मास जितना है, अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मेरा मास चेंज नहीं होता, क्योंकि मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी फोर्स, लेकिन वेट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड कौन है? वेट, मास नहीं। उस वजह से मास को कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो चेंज होता नहीं, लेकिन हमारे पास जो वेट है वो ग्रेविटी फोर्स की वजह से चेंज होता है। ओके, डन। अगर हम आगे की बात करें तो मास का, मास को मेजरमेंट करने के लिए, मास मास को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस और मास का ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, जिसका सिंबल है केजी। ओके, ये एनालिटिकल बैलेंस क्या है? इंस्ट्रूमेंट, मास को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे एनालिटिकल बैलेंस बोलते हैं। वो कैसे होता है चलो हमें देखते हैं। हमारे पास लेबोरेटरी में वो अवेलेबल है, लेकिन पहले ये एसआई नहीं, इसका मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। ओके, चलो मैं दिखाता हूं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो पिक्चर दिखाई गई है ना, वो आप देख सकते हो। ये क्या है? एनालिटिकल बैलेंस। इसकी वजह से हम उसका मास हम मेजरमेंट कर सकते हैं। वन साइड हमारा अपना सब्सटेंस रखेंगे, दूसरी साइड हमारा वेट रखेंगे, और हम दोनों मेजरमेंट कर लेंगे। और ये कांच की जो हमारे पास बॉक्स दिया हुआ है उस वजह से क्यों वो दिया होता है, क्योंकि हमारे पास अगर छोटे से केमिस्ट्री लेकिन लेबोरेटरीज होती है हमारे पास, वो लेबोरेटरी में छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंस हमें यूज होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे कि ये केजी वाला तो बहुत ज्यादा है। हम अपनी शॉप पे, अगर हम किसी शॉप पे जाए बटाका या टमाटर लेने के लिए, टमाटर तो उसमें केजी और इसमें होता है कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल करना है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब में, अगर हमें 2 ग्राम लेना है, उस 2 ग्राम में अगर हम इसे बॉक्स नहीं रखेंगे तो हमारे पास उसमें एयर इम्प्यूरिटीज आएगी, और 2 ग्राम की जगह 3 ग्राम आ सकता है, 1.5 ग्राम आ सकता है। इस वजह से हमें ये ग्लास की ये बॉक्स रखना पड़ता है, उसमें हमें एयर भी नहीं जाती और कुछ उसमें दिक्कत नहीं होती। ओके, ये देख सकते हो दोनों साइड हमारे पास ये मेजर करने के लिए जो वेट लगा हुआ है, वन साइड अपना हम जो सब्सटेंस मेजर करना है वो रखेंगे, दूसरी साइड हमें जितना उसका मास लेना है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल बैलेंस। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पिक्चर दी हुई है। ओके, उसके बाद उसका एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम, उसको हम कैसे सिंबल में केजी। लेकिन अगर हमने अभी बताया ये केजी वाला है तो वो केजी वाला बड़े स्केल पे आता है, अगर हमें बड़ा वेट मेजरमेंट करना है तो उसे हम केजी में करेंगे। लेकिन अगर मेरे को छोटा, हमारे केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में होता है तो चलो छोटे स्केल पे हमें जो प्रैक्टिकल करना होता है तो उसमें हम केजी में ले सकते हैं, नहीं, उसके लिए हमारे पास क्या यूज होता है? ग्राम, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे यूनिट जो आते हैं जो हमें यूज होते हैं। लेकिन हमारे पास मास और वेट का ऐसा यूनिट कौन सा होता है? किलोग्राम। ओके, डन। चलो उसके बाद ये तो हमारे लिए क्या था? मास और वेट। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि क्या?
पास बॉक्स है, बॉक्स का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके। इस बॉक्स का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम बी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और हाइट, ओके। ये हाइट लेंथ ब्रेथ नंबर यूनिट हो रहा है दुनिया ऊंचाई, ओके एल बी एच। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन करने से जो हमें आंसर मिलता है उसे हम वॉल्यूम करते बोलते हैं। हमें ये रूम का, हमारे क्लासरूम का ये वॉल्यूम हमें मेजर करना है, तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो पहले हम देखते हैं वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की लेंथ हमें ये बॉक्स की लेंथ है हम मीटर में मेजरमेंट करें, ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में, तो तीनों को मिला दो तो जो आंसर मिलता है मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा इज इक्वल टू मीटर क्यूब, ओके। ये तो ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, ओके चलो। लेकिन हमारी जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है उसमें कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट यूज होता है, कॉमन यूनिट होता है। कौन सा यूनिट यूज होता है? लीटर। जो हमारी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती है उसमें सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों सब्सटेंस होते हैं, तीनों हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमारे पास सॉलिड है तो उसे हम केजी में कम उसका वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में। अगर हमारे पास लिक्विड है तो हम उसे कॉमन यूनिट क्या है? लीटर। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ओके। उसका कॉमन यूनिट है लीटर। मीटर क्यूब की जगह हम सेंटीमीटर क्यूब का भी यूज कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब का भी यूज करते हैं, लेकिन कॉमन यूनिट क्या है? लीटर। हमारी लेबोरेटरीज है उसमें मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट है ब्यूरेट पिपेट, ब्यूरेट से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पिपेट से करते हैं। फिर आता है मेजरिंग सिलेंडर, ग्रेजुएट सिलेंडर या फिर मेजरिंग सिलेंडर, राउंड बॉटम ग्लास, ओके। फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, सो मेजरिंग सिलेंडर या फिर ग्रेजुएट सिलेंडर कह सकते हैं, ओके। ये इंस्ट्रूमेंट है उससे हम उसका मेजरमेंट, वॉल्यूम का मेजरमेंट अपनी लेबोरेटरीज में करते हैं। लिक्विड जो होता है वो पहले क्या, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, कॉमन यूनिट लीटर। लीटर की जगह हम क्या एमएल को भी करते हैं, एमएल या फिर डेसीमीटर क्यूब वाला आता था वो सब। मीटर की जगह ये ऐसा यूनिट मीटर है, लेकिन उसकी जगह हम यूज क्या कर सकते हैं? डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब हम यूज करते हैं, ओके। और फिर कॉमन यूनिट क्या है? लीटर। और हमारे केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज वो है उसमें हम वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ब्यूरेट पिपेट मेजरिंग सिलेंडर राउंड बॉटम प्लस। ये ब्यूरेट क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ये है ब्यूरेट। ये क्या है? ये ब्यूरेट है। ये यहां से जीरो से 50 ml तक मेजर की हुई है, ओके। तो ये हमारी पास जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज है तो उसमें हम यूज करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ब्यूरेट, ओके। उसके बाद क्या है हम देख सकते हैं, ब्यूरेट के बाद पीपेट। तो ये पीपेट है, ये पिपेट हमारे पास यहाँ से देखते हैं तो 0 से 10 ml तक आओगी, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कापा दिया हुआ है, यहाँ से 0 से
टेन तक, लेकिन इसको हमें यूज कैसे करना है। अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक वाले जो प्रैक्टिकल आएंगे उसमें 10 ml किसे कहते हैं, हमें कोई भी लिक्विड 10 ml लेना है, जिसे यहाँ से हमें सक करके यहाँ तक हमें लाइनिंग ड्रॉ की हुई ना वहां तक हमें लेना है, यानी कि कितने ml की है, यहाँ पे देख सकते हो 10 ml की भी पेड है, 10 ml, 20 ml, 25 ml सबकी आती है, लेकिन हमारे पास टेंट में 10 ml ही यूज होता है। वॉल्यूमेट्रिक वाले जो हमारा प्रैक्टिकल आएगा ना उसमें हम यूज करेंगे। उसके बाद है मेजरिंग सिलेंडर वाला, मेजरिंग सिलेंडर या फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी बोलते हैं उसे। ये हमारे पास है 100 ml का है। अगर हमें कोई भी वॉल्यूम हमें सक करना है या फिर मेजर करना है, हमें 100 ml लेना है या 50 ml लेना है, 25 ml, 75 ml, 80 ml, तो मेजर कैसे करेंगे, तो हम इसमें वो भी जो भी लिक्विड दिया है उसमें डालेंगे। अगर हमें समथिंग 80 बोला तो 80 यहाँ तक डालेंगे, फिर उसे मिक्स कर देंगे। ओके, ऐसे 10 ml लेने को बोलेंगे तो 10 ml हम यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे लेंगे, हमें पिपेट से यूज करना पड़ता है। ओके, जो एनालिटिकल वाले हमारे पास वो होंगे वो इसमें हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। लास्ट वाला है राउंड बॉटम फ्लास्क, आपकी टेक्स्ट बुक में शायद दूसरा नेम भी दिया होगा, तो वो राउंड बॉटम फ्लास्क उसके जैसा ही होता है। ओके, राउंड में होता है, उसके अपर साइड यहाँ तक होता है, वहां पे लाइनिंग ड्रॉ की होती है 1 liter तक। हमें 1 molar या फिर 1 normal जो सॉल्यूशन बनाना होता है उसे कैलकुलेशन करके इसमें डाल देते, बाकी का वहां तक पानी डाल देना होता है, फिर वो जो हमें उसे सक करके डिजोल्व करके 1 normal या फिर 1 molar हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, चलो ये हो गए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बाद डेंसिटी, वॉल्यूम के बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल है रो, मैंने अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ। चलो ये डेंसिटी ये सब आपको याद रखने हैं, हमारे पास जो मास, वेट, वॉल्यूम सबके एसआई यूनिट, हमारे पास जो एक्सरसाइज में एग्जांपल आएंगे वहां यूनिट खास याद रखने हैं आपको, सबके एसआई यूनिट कॉमन यूनिट भी जो हम यूज करते हैं वही। तब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, यानी कि रो, डेंसिटी इज इक्वल टू रो मास बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हमें ऐसे पूछी नहीं जा सकती, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी ऐसे दी हुई है, यानी कि अमाउंट ऑफ मास, मास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मास पर वॉल्यूम में डिजोल्व होता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम, यानी कि जो भी हमारा सब्सटेंस है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है वॉल्यूम में, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि जो भी हमारे अमाउंट सब्सटेंस है उसमें डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो कैसे हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी रो। लेकिन रो का ऐसा यूनिट, डेंसिटी का ऐसा यूनिट इज इक्वल टू, डेंसिटी ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू, तो हम देख सकते हैं रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो पहले क्या लिखेंगे, मास का ऐसा यूनिट, फिर नीचे की साइड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट। चलो हमने पहले मास बाय वॉल्यूम वाला, सॉरी मास बाय वेट वाला था, उसमें मास का ऐसा यूनिट क्या हुआ था, केजी, ऐसा यूनिट बोला है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर क्यूब। ओके, यानी कि अगर हम रो की बात करें तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब फिजिक्स में भी आएगा, तो इसको हम दूसरी तरह से लिखना है, तो केजी इनटू मीटर, ये मीटर को मैं अपर साइड दे जाओ, मीटर क्यूब प्लस 3 है, तो अपर साइड जाता है तो क्या हो जाता है, -3। ओके, वो तो पता है ना, नीचे की साइड होता है प्लस, तो अपर साइड ले जाते हैं तो -3 हो जाएगा, अगर नीचे की साइड -3 है उसे अपर साइड ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि इसे हम केजी इनटू एम
-3 भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी का ऐसा यूनिट है वो हम यूज करते हैं, लेकिन हमारी लैबोरेटरीज में क्योंकि डेंसिटी हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है, वो मेजरमेंट छोटी भी हो सकती है बड़ी भी होती है, तो ये बड़े पे हम केजी वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्मॉल स्केल पे होगा तो स्मॉल स्केल पे हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल स्केल पे स्मॉल डेंसिटी की बात करें फाइंड करनी है इज इक्वल टू कैलकुलेट इज इक्वल टू, चलो मास का मास को हम केजी में था उसे ग्राम में ले लेते हैं, मीटर में था तो उसे हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास जो स्मॉल स्केल पे डेंसिटी होगी वो क्या होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसे अगर हम अपर साइड ले जाए तो ग्राम इनटू सेंटीमीटर में -3 ओके -3, तो ऐसे ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब भी हम यूज कर सकते, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो हम केजी अपॉन मीटर क्यूब ही लेना है। ओके डन, ये डेंसिटी। तो चलो इस पर से थोड़ी हमें थियरी लिखी हुई है, तो सबकी डेफिनेशन ऐसे नहीं, हम सिर्फ एक्सप्लेन करना है क्या है थियरी में क्या लिखा है, मास बाय वॉल्यूम। मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम यूनिट, यानी कि पर वॉल्यूम वाला जो है उसमें प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास। तो चलो भाई कि हमें डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी वो हमें कैसे पता चलेगा, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी उसकी ज्यादा, पर वॉल्यूम वॉल्यूम अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा, पर वॉल्यूम क्यों बोला है, चलो हम वॉल्यूम फिक्स रखते हैं, वॉल्यूम यानी कि साइज, साइज हम फिक्स रखते हैं, ये तीन बीकर है हमारे पास। ओके यानी कि तीनों का वॉल्यूम हम ये तीनों बीकर में यहां तक रखते हैं, तीनों का वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया। ओके वो तीनों के अंदर मास थोड़ा थोड़ा डालते हैं। चलो ये बताएं इसमें लिक्विड है, लिक्विड डाल दू इसमें, पहले सॉलिड डाल कंटिन्यू डाल दिया, सॉलिड डाल दिया फिर लिक्विड। ओके ये लिक्विड, लिक्विड के बाद आता है गैस। ओके तो चलो सॉलिड लिक्विड है गैस, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो नियर में होंगे, ये निकाल लेता हूं। ओके सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही ज्यादा नियर में होंगे। चलो बाद में यहां मैं लिक्विड लेता हूं तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े डिस्टेंस में होंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस में होंगे। ओके तो मास किसमें ज्यादा है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, गैस में, उसके बाद वॉल्यूम तो फिक्स है यानी कि ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब किस पे डिपेंड हुआ, मास पे, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब तो ओके तो इसमें मास किसे, सॉलिड लिक्विड और गैस में, सॉलिड में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम थोड़ी, गैस की बहुत ही ज्यादा कम। कहने का मतलब है ये हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड इसके अंदर कितना मास होगा, बहुत ही ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे, इसमें एक साथ जॉइंट होंगे कितने, बहुत सारे पार्टिकल्स, उस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसके कंपेयर में दूसरे लिक्विड की बात करें तो उसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स थोड़े कम होंगे, अगर हमें उसमें वॉल्यूम तो फिक्स रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम इतना ही रखा हुआ है, इतना ही मैं लिक्विड लूं इतना ही, यानी कि जो इतना ही लिक्विड लूंगा तो उसमें पार्टिकल्स कम होंगे तो उसकी डेंसिटी कम होगी, गैस की डेंसिटी इससे भी कम। मेरे कहने का मीनिंग वो है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड के कंपेयर में और लिक्विड की डेंसिटी गैस के कंपेयर में, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड लिक्विड और गैस। ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन जीएनई की एग्जाम में आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा। ओके तो ये हमारा हुआ डेंसिटी। डेंसिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंस टेम्परेचर, क्या आता है
टेम्परेचर। समझना है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन कॉमन यूनिट है, केल्विन, सेल्सियस और फेरनहाइट। लेकिन उसमें तीनों यूनिट में से हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन ऐसा यूनिट है। ओके, तो हमें मेजरमेंट के लिए कितने यूनिट आएंगे? तीन यूनिट। केल्विन, इसका सिंबल है के, उसके बाद आएगा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, उसके बाद आएगा डिग्री फेरनहाइट। तीनों के बारे में हमें डिस्कस करनी है, तो इन तीनों को हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास केल्विन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस का दिया हुआ है तो हमें फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये हमें लर्न करना है। पहले जो हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, उस पर कौन से स्केल होते हैं, वो हमें लर्न करना है। तो पहले हमारे पास है केल्विन। तो केल्विन का जो होता है वो केल्विन का मेजरमेंट यानी कि उसका स्केल होता है वो 273.15 से 373.15 तक होता है। लेकिन सर पहले वो तो बताइए मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर को क्या है। टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है, आप सबने देखा होगा, लेकिन किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं उसे दिखा रहा हूं। ये सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है, तो सेल्सियस का थर्मोमीटर है, हमें रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का जो हमारा टेम्परेचर होता है उसे मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास रूम टेम्परेचर अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 या 30 के नियर में होगा, तो इसे मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल्सियस वाला है, तो रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप देख सकते हो जो सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है ना वो यहाँ से देखो 0 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे स्केल पे 0 सेल्सियस से। और ये जो सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है ना वो नेगेटिव वाला यानी कि माइनस में भी पॉसिबल है। ओके, तो इसमें जो केल्विन वाला होता है वो माइनस में पॉसिबल है नहीं। तो पहले हम देखते हैं केल्विन वाला, जो केल्विन वाला जो थर्मोमीटर हमारे पास होता है वो 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक होता है। ये सेल्सियस वाला जो थर्मोमीटर होता है जीरो सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक। फिर जो फेरनहाइट वाला जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है, सर ये फेरनहाइट वाला थर्मोमीटर तो हमारे लिए नया आया है, नया नहीं है भाई, ये डॉक्टर होता है जो हमें बुखार आता है तो जो मेजर करते हैं कि वो 102 सेल्सियस है ना, ऐसे नहीं होता, वो फेरनहाइट में होता है। अगर 100 सेल्सियस से टेम्परेचर सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। ओके, तो फेरनहाइट वाला होता है वो यहाँ पे 32 हुआ, सॉरी हाँ 32 फेरनहाइट से यहाँ पे आएगा 212। ओके, आप देख सकते हो ये कहां से स्टार्ट होता है 273 केल्विन से 0 सेल्सियस से 32 फेरनहाइट से। ओके, ये आता है 212 फेरनहाइट का, ये 0 से 100 सेल्सियस का। ओके, ये 373.15 का। अब हमें केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें, तो सेल्सियस में दिया हुआ है तो इसे फेरनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। ओके, तो पहले वाला इक्वेशन है तो केल्विन, अगर हमारे पास केल्विन वाला मात्रा में हमारे पास जो टेम्परेचर उसे कन्वर्ट करना है किसको, केल्विन वाले को, केल्विन वाले को किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, या फिर सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को हमें केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेल्सियस प्लस
273.15। अगर हमें कोई सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका सेल्सियस का, तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है ना, उसमें 273.15 ऐड कर दो तो हमें केल्विन मिल जाएगा। अगर हमें फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस ओके प्लस 32 और वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री एंड फेरनहाइट में ओके। तो वो फर्स्ट वाला जो हमारे पास था यहां पे देख सकते हो, तो पहले वाला केल्विन सेल्सियस और फेरनहाइट ओके। तो ये केल्विन और वो केल्विन क्या है, एसआई यूनिट। फिर आता है ये सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। फिर आता है फेरनहाइट, ओके। इसमें जो केल्विन है वो एसआई कॉमन, तीन कॉमन यूनिट क्या है, केल्विन, फिर ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस बोलते हो, डिग्री सेल्सियस, थर्ड वाला डिग्री फेरनहाइट ओके। चलो अब आगे क्या डिस्कस करना है, हम तीनों को कन्वर्ट करना है। तो चलो हमारे पास हम बात करते हैं वाटर, इसकी वाटर ओके। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू हमें पता है 100 सेल्सियस ओके। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 सेल्सियस। चलो हमें सेल्सियस में मिल गया, हमारे पास ये वाटर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 सेल्सियस, सॉरी ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट वाटर ओके। ये दोनों मिल गया। चलो पहले इसे हम कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, 0 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे सेल्सियस की जगह 0 रख दो, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस की जगह 0 रख दिया प्लस 273.15 इज इक्वल टू आंसर आएगा 273.15 केल्विन ओके। केल्विन में डिग्री या सेल्सियस देखने की जरूरत नहीं है ओके। यानी कि 0 सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 में लिखोगे तो चलेगा केल्विन ओके। फर्स्ट वाला हो गया, उसके बाद सेकंड वाले में लिख दो फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो फेरनहाइट में हम 9/5 की जगह क्या रख देंगे, 0 सेल्सियस, यहां पे सेल्सियस की जगह क्या रखा हमने, इसकी जगह 0 प्लस 32, तो ये पूरा स्टेप वाला ये 0 हो जाएगा, ये 0 यानी कि 0 प्लस 32 यानी कि फेरनहाइट इज क्या है 32 यानी कि 0 यहां पे आ गया। सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 32 फेरनहाइट, यानी कि थर्मोमीटर जो केल्विन का थर्मोमीटर होता है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 273.15 केल्विन, सेल्सियस का 0 सेल्सियस और फेरनहाइट का 32 फेरनहाइट ओके। ये था हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ओके। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट होता है। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बॉइलिंग
पॉइंट, ओके। बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस केवल का फॉर्मूला सेल्सियस इज इक्वल टू 100 है तो 273.15 इज इक्वल टू क्या है, 373.15 केल्विन। केल्विन में डिनोट हो गया, फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 9/5 सेल्सियस। सेल्सियस की जगह क्या रखेंगे, सेल्सियस 32, 9/5 सेल्सियस की जगह रख दो 100+32, 100 सेल्सियस था ना, ओके। तो ये 20, 9 × 20 + 32, तो ये 180+32, यानी आएगा 212 फेरनहाइट। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास 100 सेल्सियस का 373 केल्विन और वही 212 फेरनहाइट। आप देख सकते हो ये तीनों यहाँ पे हमारे पास 0 से कहाँ तक होता है 100 तक, ये 273 से 373 तक, ये 32 फेरनहाइट से 212 फेरनहाइट तक, ओके। चलो ये इसे निकाल लेता हूँ, थोड़ी ज्यादा आगे डिस्कस करनी है, ओके। ये पहले लिख लो, ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ी ज्यादा, ओके। ये लिख लो, ओके डियर स्टूडेंट। अब हम पहले वाला था वो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे सामने यहाँ बीच में लिख देता हूँ तो आपको दिक्कत ना हो। केल्विन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, सेल्सियस प्लस 273.15, उसके बाद डिग्री फेरनहाइट इज इक्वल टू क्या था 9/5 सेल्सियस प्लस 32, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके। हमारे पास तीन यूनिट थे केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फेरनहाइट, ओके। ये तीनों था। अब हमारे रूम का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 सेल्सियस होता है, ओके। तो 25 सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है, इसे हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट वाला यूनिट की वैल्यू, फर्स्ट वाले जो इक्वेशन उसमें रख दो, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 × 15, तो सेल्सियस इज इक्वल टू कितने है 25 प्लस 273 × 15, ओके। तो यहां पे हम रख देते हैं तो प्लस कर दो तो 298 समथिंग आएगा केल्विन, ओके। तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, फेरनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फेरनहाइट इज इक्वल टू रख दो वहां पे 9/5 सेल्सियस है, यहां पे सेल्सियस की जगह क्या रखना है 25 + 32, ये 45 + 32, ओके। तो कितना होगा प्लस कर दो 77, ये क्या है फेरनहाइट, ओके। यानी कि अगर रूम टेम्परेचर हमारा 25 सेल्सियस है तो उसे हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 298.15 आएगा, और लास्ट में देखा जाए तो फेरनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो 77 फेरनहाइट आएगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में शायद दिया हुआ है, हमने वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 10th में हमने पढ़ा है 37 सेल्सियस होता है। हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 सेल्सियस का, तो इसको हम सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर रख दो, फिर यहाँ पर रख दो, आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है 37 करके कैलकुलेट कर लो, फिर अगर नहीं पता चलता तो टेक्स्ट बुक में उसका आंसर भी दिया हुआ है। सिर्फ क्या करना है 37 को यहाँ पर रख दो, प्लस कर दो, फिर 37 को यहाँ पर रख दो, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, जो
भी आंसर आता है उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता है उसमें 32 ऐड कर दो। चलो हम ट्राई करते हैं। केल्विन वाला तो आपको पता है, फेरनहाइट वाला डायरेक्ट कर देता हूं। फेरनहाइट 9/5 सेल्सियस इज इक्वल टू 37 प्लस 32, इनको मल्टीप्लाई करो। इनको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे पता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं हम। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, जो भी आंसर आता है पहले मैं देख लेता हूं, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता है, इसलिए हम याद कर लेते हैं। ओके, तो चलो पहले हम देख लेते हैं 37 नोटेशन की जो सिस्टम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।